हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूं इमरान खान टिकटॉक वीडियोस, लेटेस्ट टिकटॉक वीडियोस देखेंगे। इमरान खान के कई टिकटॉक वीडियोस हम देख चुके हैं और मज़ा आता है देखने में। आई होप कि आप भी मज़ा लोगे और सब्सक्राइब करोगे चैनल को। स्टार्ट करते वीडियो को, स्टार्ट दी वीडियो नाउ। इमाम रजा के हरम में दाखिल होते हैं, इंसान का मजाज ही बदल जाता है, आंखें हीरा हो जाती है। आठवां शहंशाह इतना आबाद, एक आदमी के पीछे आपने 13 पॉलिटिकल पार्टीज, जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया और 600 करोड़ पैसे और 300 मिलियन डॉलर बाइडेन से लेके एक आदमी को टू ब्रिंग हिम डाउन इतना लगा है। ये अमरीकी दलाल भला क्या खाक बनाएंगे हमको? हम राह वफा के रहरू है, मंजिल हिंद जाकर दम लेंगे। और सिकंदर ने डरा के दुनिया जीती सी, सिकंदर ने खौफ नाल दुनिया जीती सी। इमरान खान साहब, तुसी ओ सिकंदर हो जिन्हें पूरी दुनिया दे दिल जीते है, दिलां दे विच वास कर। हमारे नाम से जलने वाले लोग मुर्शद हमारा नाम लेकर ताल्लुक बनाते हैं। सिद्धू है, 29 साल हो गए वो आदमी नहीं टूट रहा, नहीं टूटेगा, ये मौका है। उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाई। लोग सिर्फ लड़ने वालों को याद रखते हैं, चाहे वो हारे या जीते। पीठ दिखाने वालों को कोई याद नहीं किसी और से भी। पठान जदी पुश्ती दिल और दिमाग से आजाद है, ये गुलाम नहीं हो सकता। जो पठान होगा वो आजाद होगा। हम किसी बेगैरत हुकूमत को नहीं मानते। अपनी गैरतमंद आवाम को इन बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा। कदम से कदम मिला के चले हैं, इंसाफ का झंडा उठा के चले हैं। इमरान तेरे साथ निभाने के खातिर हम सारे गश्तियां चला गए। मचते ने लोग देख साडियां चढ़ाइयां, असी नोटा नालों वध बिलो यारियां कमाइयां, उठे पिंडां विचों धक्क बिलो पाई तेरे शहर, असी मेहनतां दे सिरां उत्ते गड्डियां कढ़ाइयां, जेड़े कम नूं हथ पाया मिली बिलो फतेह, पूरी रीझ नाल वैर ते यार। और मुझे इस बात पे फख्र है, खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। मेरा दिल कहता है कि एक वक्त आएगा जब लोग ये कहेंगे कि एक दफा का जिक्र है, किसी मुल्क में लूट मार का बाजार गर्म था, हर तरफ चोर ही चोर थे, कि एकदम से खान आ गया। आप पाकिस्तान में किसी के फैन हैं? स्पोर्ट्समैन इमरान खान साहब मुझे बहुत पसंद है। हम दिल्ली आए थे, वो तो हमसे मुलाकात भी हुई थी और मुझे डांटा भी था उन्होंने। मेरी फर्स्ट मीटिंग एक्चुअली एज अ फैन इज विद मिस्टर इमरान खान। उन्होंने आपको भी डांटा? बहुत डांटा था उन्होंने। मैं उनको भी शिकायत भी, 3 साल पहले मुझे मिले तो मैंने उनको शिकायत भी की और बता दी मैं खड़ा होता हूँ ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो मैं वेट कर रहा था कि ऑटोग्राफ देंगे, तो ऑब्वियसली आउट होंगे उसी के बाद ऑटोग्राफ देंगे। थोड़ा नाराज थे शायद आउट होने में, तो मैं तो डांट गया था ऐसा करके। बहुत मैं उनको 2-3 साल पहले कहीं मिला तो मैंने उनको बताया आपने मुझे डांटा था, मुझे बहुत बुरा लगा। बिग फैन ऑफ हिज। मैं गुजारिश ही करूंगा खान साहब आपसे, क्राइम तो यही बताते हैं कि आपकी शायद बड़ी भारी अक्सरियत से हुकूमत आने अगले कुछ टाइम के अंदर, इसका लॉन्ग टर्म भी आप ना ये ना कहे क्योंकि फिर और FIR कट जाएगी। लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम FIR लिखो हम तैयार लिखेंगे, तो हमने कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, और तुम अदालतों से बैठ कर चुटकुले लिखो हम सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे, बैरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंध भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा।
मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अब टूर पे निकल लिए। एक मिनट ठहर जाए। और आज के बाद अगर कोई आपको कहे ना कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, वो अपना इलाज करवा के पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, तो आपने बिल्कुल सादगी के लिए दुआ कर दी। आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह इस आदमी की ज़हनी हालत को ठीक कर दे और इसको सेहतयाब कर दे और इसको हदायत अता फरमा। ये अच्छी बात नहीं है, ये साफ और अदल नहीं है। जो भी आदमी औरत आपसे आज के बाद ये बात करे कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, अपना इलाज करवा के पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, तो आपने उससे झगड़ा नहीं करना, आपने उस पर रहम खाना है, आपने उस पर तर्स खाना है, आपने उसके लिए हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह ताला इसको इस नफ्सियाती मर्ज से सेहत अता फरमा, इसको तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे और इसको हलायत अता फरमा, क्योंकि एक ऐसी देनी कैफियत है जिसमें से ये लोग नहीं निकल सकते। इसराइल को तस्लीम करने का कितना दबाव है? लेकिन दबाव तो इसलिए है कि इसराइल का बहुत बड़ा इस वक्त उनका इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर है। मेरे लिए तो कभी ये सोच पे दूसरी सोच आई नहीं कि हम इसराइल को इसलिए तस्लीम नहीं कर सकते जब तक कि फलस्तीनियों को उनके हक, उनका एक जस्ट सेटलमेंट जारी है कि उससे वो मुतमईन होते हैं, हम उसको तस्लीम नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हमारे मुल्क को अपने पैर पे खड़ा होने दें, फिर आप मेरे से ऐसे सवाल पूछें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। And my belief is, la ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. Last wala video, there is no God but one. गूज़बम्प देने वाला वीडियो था। एंड इसके अंदर एक ज़बरदस्त शायरी थी, वो जो कुछ कि हम ये इनकलाब लिख देंगे, तुम ज़मीन पर क्या कहते हैं जुल्म लिखो, हम आसमान पर इनकलाब लिख देंगे, वो जो पूरी शायरी का पार्ट था, किलर था, गूज़बम्प्स दे रहा था, एंड जुनून था उसके अंदर, जज्बा था, बहुत कुछ था उसके अंदर, एंड सूट भी कर रहा था, वो इमरान खान के ऊपर सूट कर रहा था। एक्चुअली थी कुछ शायरियाँ थीं, कुछ एटीट्यूड वीडियो थी, कुछ आप बोल सकते हैं कि खूबसूरत वीडियोस थी, सो मज़ा आ रहा था उसको देखकर। एंड ज़बरदस्त चीज़ ये है कि सारी कुछ इमरान खान के लिए था। एंड एक वीडियो बहुत फनी था, इमरान रियाज खान का जो वीडियो था, वो रोस्ट कर रहे थे कुछ कि अगर ये लोग ऐसे बहस करें तो आप उनसे मतलब लड़े नहीं, उसको इलाज करने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा ये वीडियो। एंड लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।